बाहुबली के राइटर केवी विजेंद्र शाहरुख खान को लेकर कौन सी फिल्म लिख रहे हैं और ये फिल्म किस महाग्रंथ पर आधारित है? क्या इस फिल्म में सलमान खान कैमियो रोल निभाएंगे और किन किन सुपरस्टार को इस फिल्म में साइन किया जा रहा है? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। सुपरस्टार शाहरुख खान, शाहरुख खान का नाम आते ही अपने आप दिल में एक उमंग सी उठती है। ऐसे लगता है कि एक हलचल सी हुई है और अपना वो काल जब स्कूल का काल था, यानी कि स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। अगर आप शाहरुख खान की कोई ऐसी फिल्म उठाएं जैसे कि कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, DDLG, ये सारी जो फिल्में हैं वो सब प्यार पर आधारित है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों के माध्यम से प्यार की एक ऐसी परिभाषा रची है जो आज भी जीवंत है और लाइव है। हर कोई यूथ आज भी शाहरुख खान की फिल्मों के वो संवाद और वो स्टाइल अपने कॉलेज के दौरान बिताए गए लम्हों में जरूर उन्हें जीने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बाहुबली के राइटर केवी विजेंद्र शाहरुख खान को लेकर के महाभारत का एडाप्टेशन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से केवी विजेंद्र ने महाभारत और रामायण को मिला करके एक बाहुबली का निर्माण किया था, लेकिन इस बार विजेंद्र साहब हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान के करियर को एक नया आयाम देना चाहते हैं। बेसिकली जब से शाहरुख खान के फिल्म जीरो रिलीज हुई है तब से शाहरुख खान बहुत परेशान थे कि आखिर क्या करें, क्या वो डॉन 3 करें या फिर कोई और फिल्म करें। हाल ही फिलहाल में उन्होंने इंस्पेक्टर गालिब फिल्म साइन की थी, लेकिन अब जो ये खबर आ रही है कि शाहरुख खान महाभारत का एक ऐसा अध्याय चुना है जिसका नाम है चक्रव्यूह, यानी कि सुपरस्टार शाहरुख खान वीर अभिमन्यु का रोल निभाने जा रहे हैं। यानी सिर्फ इस फिल्म में वो चक्रव्यूह वाला ही सीन रखा जाएगा जहां पर अभिमन्यु की मृत्यु होती है। बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से एक वीर योद्धा तैयार होता है, यानी कि अभिमन्यु का लालन पालन और पोषण कैसे किया जाता है जबकि अर्जुन के पास समय नहीं होता है। सिर्फ एक मां अपने बेटे का करियर किस प्रकार से संवारती है, ये सारी चीजें दिखाई जाएगी। एक प्रकार से ये जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म में स्त्री चेतना को तजब्बो दी गई है, जबकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। यहां पर आज भी पुरुषों की नीतियों का पालन किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से स्त्री के उन गुणों को उजागर किया जाएगा कि जब तक एक मां नहीं होगी तब तक इस देश का क्या, पूरी सृष्टि का कोई भी पुत्र अपने किसी भी भविष्य को संवार ही नहीं सकता है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो चक्रव्यूह फिल्म बनने जा रही है वो महाभारत का सिर्फ एक कह सकते हैं कट लिया जाएगा, लेकिन वो जो फिल्म है वो आज के परिप्रेक्ष्य में एडाप्ट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि पूर्ण रूप से आज के ही परिप्रेक्ष्य में दिखाई जाएगी। बेसिकली जिस प्रकार से आपने बाहुबली देखा, बाहुबली और बाहुबली 2, और ये दोनों जो फिल्में थी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाई। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपने अपने आप को हमारे देश का जो सिनेमा है ये कह सकता है कि मैं आज इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि हॉलीवुड के बराबर खड़ा होने का साहस रख सकता हूं, क्योंकि वो बाहुबली ने ही दिया है हमें। तभी तो हमारे सुपरस्टार रजनीकांत 2.0 बना करके ये कहते हैं देखो हमने वो कर दिया जो आप लोग करते आ रहे थे। क्या इस फिल्म का निर्देशन SS राजामौली करेंगे? क्या ये फिल्म बाहुबली की तर्ज पर बनाई जाएगी? ये जो दो बड़े सवाल हैं, इन दो सवाल नहीं है बेसिकली,
एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने आप में एक जवाब है। फिल्मी गलियारों की अगर बात करें तो फिल्मी गलियारों में खबरें आ रही हैं कि जी हां दोस्तों, इस फिल्म का निर्माण बाहुबली की तर्ज पर किया जाएगा और इस फिल्म का निर्देशन SS राजामौली ही करेंगे। और तो दोस्तों, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि वही फिर से भव्य सेट और वही VFX और उसी प्रकार का सिनेमा आपको दोबारा देखने को मिलेगा जिस प्रकार से बाहुबली ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना परचम लहराया था। तो दोस्तों, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्या शाहरुख खान इस प्रकार के करेक्टर को ठीक ढंग से निभा पाएंगे। जैसा कि इससे पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी अशोका, जो है वो बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से हिट नहीं हुई थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो फिल्म एक एवरेज दर्जे की फिल्म थी। लेकिन आज जब शाहरुख खान अपने उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां पर उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा धमाल नहीं मचा रही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शाहरुख खान का स्टारडम खत्म हो गया। शाहरुख खान कल भी बादशाह थे और आज भी बादशाह हैं और आने वाले समय में भी बादशाह होंगे, क्योंकि 90 के दशक से शाहरुख खान ने जैसी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं वो आज भी बॉलीवुड कल्ट फिल्में हैं और हमेशा रहेंगी। मेरा तो यह मानना है कि शाहरुख खान चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु का किरदार निभाना चाहते हैं उसे अच्छे से निभा सकते हैं, और क्योंकि इसमें भीष्म पितामह का रोल हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब निभाना चाहते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मोहब्बतें में जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की जोड़ी आपको देखने को मिली थी, उसी प्रकार की जोड़ी इसमें भी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो 7 महारथी थे जो अभिमन्यु का वध करते हैं, उन सारे किरदारों के लिए हमारे बॉलीवुड से 7 बड़े बड़े सुपरस्टार को साइन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म में कैमियो रोल यानी कि लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण जिसके नाम में ही रोमांस दिखाई देता है, जिसके शब्द में ही सम्मोहन सुनाई देता है, वो उस किरदार को निभाने के लिए हमारे बजरंगी भाईजान यानी कि सबके टाइगर और सबको अपने दिलों में बसाने वाले सलमान खान कृष्ण के अवतार में नजर आएंगे। क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती आजकल बहुत ही अच्छी हो गई है। उन्होंने करण अर्जुन में एक साथ काम किया था, उसके बाद वो हम तुम्हारे हैं सनम में साथ काम किया था, लेकिन उसी दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया था। फिर ये जो दोस्ती थी ना वो दुश्मनी में तब्दील हो गई। फिर धीरे धीरे हमारे जो भाई जान हैं उन्होंने पहल की और शाहरुख खान से बात किया, अबे क्या यार, हम लोग एक ही फील्ड में रहते हैं, कब तक अलग रहेंगे? फिर तो शाहरुख खान साहब भी दिल फैला करके आए और उसी प्रकार से जिस प्रकार से रोमांस करते हैं उन्होंने सलमान को अपनी बाहों में भर लिया। तब से दोनों ऐसे जकड़े कि उसके बाद तो एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो रोल में आने लगे, और आजकल तो दोनों लोग आपस में मिलते हैं और गुप्तजू करते हैं और कई शो में साथ दिखाई दिए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सलमान खान शाहरुख खान के फिल्म चक्रव्यूह में कैमियो रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि चक्रव्यूह फिल्म की कहानी क्या होगी? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि चक्रव्यूह जो फिल्म है उसे वोमेन ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, यानी कि सुभद्रा के नजरिए से दिखाया जाएगा, एक मां के जो देखने का नजरिया है, जो सोचने का तरीका है, उसको दिखाया जाएगा। जैसा कि हमारे देश में भारत को बोला ही जाता है भारत माता, तो हमेशा स्त्री को पूजा गया है हमारे देश में। हां, कुछ कथित लोगों ने स्त्री को बदनाम किया है, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से शाहरुख खान सुभद्रा के करेक्टर को विश्व स्तर पर ऐसे एस्टेब्लिश कर देना चाहते हैं कि एक मां ने एक ऐसे वीर को जन्म दिया जो अपने अंतिम सांसों तक उन लोगों से लड़ता रहा
जिसने सिर्फ अपनी मां के पेट में अपने पिता के कहे हुए वाक्य को सुना था, यानी कि चक्रव्यूह तोड़ने की विधि। आप सभी को पता है ना कि जब अभिमन्यु अपनी मां के पेट में थे तभी अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने की विधि बता रहे थे और उसी समय अभिमन्यु ने सुना था। देखिए, श्रव्य परंपरा आज भी कहा जाता है कि अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक अच्छा श्रोता होना पड़ेगा, यानी कि गुड लिसनर। ये जो मेथड है ना, ये वहीं से आया है। आज हर युवक जो यानी कि जो एक्टर बनना चाहता है इस विधि का पालन करता है। लेकिन जैसे ही सुभद्रा सो जाती है, अंतिम द्वार तोड़ने की विधि अभिमन्यु नहीं सुन पाते। लेकिन कोई नहीं, आज भी इतिहास के पन्नों में अभिमन्यु का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। जब भी मां और बेटे के रिश्तों की बात की जाएगी तो सदैव सुभद्रा का नाम उन स्त्रियों में शामिल किया जाएगा जिन्होंने इतिहास नहीं बल्कि भारतवर्ष का निर्माण किया है, उनमें नाम शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 500-600 करोड़ फिल्म है कब आपको देखने को मिलती है, और ये जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी तो क्या दंगल और बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आज के लिए बस इतना ही।